देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। डिपो होल्डर और भाजपा नेता इसलिए गरीबों का राशन डकार रहे हैं क्योंकि लोगों ने उन्हें बीते दिनों हुए नगरपालिका चुनाव में वोट नहीं दिया। जी हां, मामला समालखा नगरपालिका के वार्ड 5 का है जहां डिपो होल्डर और भाजपा नेता पर वोट न देने की वजह से 2 महीने से राशन न देने का आरोप लगा है। इतना ही नहीं, पीड़ितों ने बताया कि भाजपा सरकार होने की वजह से भाजपा नेता उन्हें खुलेआम धमकी देता है कि कहीं जाकर शिकायत दे आओ, मैं राशन नहीं देने वाला। दरअसल भाजपा नेता सुधीर कुमार नगरपालिका चुनाव में वार्ड 5 से पार्षद का चुनाव लड़े थे लेकिन चुनाव हार गए थे। अब पीड़ित परिवार का आरोप है कि सुधीर कुमार अपनी हार से हताश हैं और बदले की भावना से काम करते हुए उनका राशन नहीं दे रहे हैं। पीड़ितों ने बताया कि जब उन्होंने मामले की शिकायत अधिकारियों को की तो अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की बल्कि एक दो बार समझौता करने के लिए फोन जरूर आए। पीड़ितों का आरोप है कि डिपो होल्डर राजनीतिक रसूख होने के चलते गुंडागर्दी कर रहे हैं। पीड़ितों ने मीडिया के माध्यम से आरोपी डिपो होल्डर के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें राशन उपलब्ध करवाने की मांग की है। वहीं खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारी जितेश गोयल ने बताया कि उनके संज्ञान में यह मामला आया है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, अगर मामले में कुछ भी सच्चाई मिली तो एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार राशन को लेकर दर दर की ठोकरें खा रहा है लेकिन भाजपा नेता और डिपो होल्डर की गुंडागर्दी के सामने उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हालांकि खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी जितेश गोयल ने मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। अब देखना यह होगा कि गरीबों के हक पर डाका डालने वाले भाजपा नेता और डिपो होल्डर पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं और क्या गरीबों को उनका हक मिल पाएगा। समालखा से हमारे संवाददाता विकास ओहल्यान की रिपोर्ट। नाम है जी, और जो डिपो वाला मामला चल रहा है, कह रहे कि 2 महीने से राशन नहीं मिल पा रहा, क्या वजह है? जी मेरा नाम मन्नू है, वार्ड नंबर 5 से हूँ मैं। सिद्धू सुधीर के पास मेरा कोटा मिलता है, वो इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन के बाद वो हार गया। हारने के बाद बोला कि मैं तेरे को राशन नहीं दूंगा, तो मैं गई उसके डिपो पे, मैं बोली कि जी मेरे को कोटा क्यों नहीं मिल रहा? वो बोला नहीं देता। मैंने बोली क्यों? तो मेरे साथ बैठने लगा, वो बोला कि तू चल यहाँ से, चल चल करने लगा। और बाहर भी बैठे थे और अंदर भी बैठे थे आदमी, तो बेइज्जती तो सबको महसूस होती है, तो मेरे को महसूस हुई। तो फिर वो बोला तू चली जा यहाँ से, तेरे को कोटा नहीं मिलेगा। मैंने बोली क्यों नहीं मिलेगा? तो मतलब कि ऐसे बैठते रहे और मैं बदतमीजी से बात करी उसने, एक भी बात मेरे को ऐसे नहीं बोली, हाँ भाई तुम लेके जाइयो राशन, उसने बिल्कुल नहीं बोला मेरे को। उसने मेरे को बोला तू फूड सप्लाई में चले जा, तेरा राशन कार्ड कट गया है। मैंने बोली यार तू क्यों कर कटवा देगा? उन्होंने बोला बस मैंने कटवा दिया, मेरी पहुँच ऊपर तक है, उसने मेरे को ये बोला। कोई मैं तेरे को राशन नहीं दूंगा, कहीं भी चली जा, तेरे को राशन नहीं मिलेगा। इसको लेकर कहीं गए थे अधिकारियों के पास, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर या एसडीएम? हाँ जी, कंप्लेंट दी थी इसने। तो फिर क्या रहा? अभी तक तो कुछ नहीं रहा, बस एक दो फोन आए थे इंक्वायरी के लिए, फिर इन्हें बात की तो फिर कुछ भी बात नहीं आया। कहीं गए थे फिर इसके बाद? हाँ जी गए थे, तो उन्होंने ना क्या किया कि बात उठने से पहले ही दबा दिया। सुधीर भी उसके पास बैठा हुआ था। तो आगे क्या मांग करते हो? मैं यही मांग करती हूँ कि मेरे को मेरा राशन मिले। और सुधीर जो कह रहा है, जो बात भी उसने किसी से कही है, सारी गलत कह रहा है वो। अगर जी पैसे ले रखे हमने 1 रुपया नहीं ले रखा उस पर। हम तो यही चाहते हैं कि कानूनी कार्रवाई की जाए इसके खिलाफ, और ये हम तो गरीब हैं और आगे ये किसी को भी गरीब को परेशान ना करें। आए थे कोई राशन वगैरह का कुछ मैटर चल रहा, 2 महीने से नहीं मिल रहा, क्या समस्या है? ये डिपो होल्डर है जी, 5 वार्ड से बोल रहा हूँ मैं, और गली नंबर 3 सुधीर के पास मेरा कोटा है। कोटा देने से मना कर गया, बोला कि मेरे वोट आपने डाली नहीं है इसलिए मैं तेरे को कोटा नहीं दे रहा। तो मैंने पूछा भाई क्या बात, क्यों नहीं दे रहा? बोला तेने मेरे वोट नहीं डाली और मैं नहीं दे रहा हूँ, जहाँ भी तेरे जी करे वहाँ तू घूमया, कहीं अप्लीकेशन लगा ले। मेरा भाई नगर पालिका में सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, उसकी वजह से 2-4 बारी यही बात दोहराई उसने कि बोलिया मैं तेरे को वोट राशन नहीं दूंगा। इसको लेकर कहीं अधिकारियों के पास गए हो? अधिकारी के पास गए तो उसने सुनाई कोई नहीं करी, एक दो बारी फोन आया, बोला राजीनामा कर लो आप आगे। जबरदस्त बोला सुधीर भी यही बैठा है डिपो होल्डर, और चुलकाने रोड पे आ जाओ वहाँ फैसला कर लेते हैं। तो मैंने गाड़ी लेके जाना था, मैं वहाँ गया नहीं। बार बार मैं यही धमकी दे रहा है, बोला कहीं घूम ले, दरखास्त अप्लीकेशन है, मैं नहीं मानता, बीजेपी सरकार है, मेरी सरकार है खुद की। तो कई महीने से राशन बंद है? 2 महीने से राशन बंद है साहब। तो मिले हो इसके जाकर? हाँ मिले हूँ जी जाके,
उसकी रिकॉर्डिंग की मैंने, रिकॉर्डिंग में ऐसे ही बोले ये फिर बदतमीजी बोल रहा है, घर वाले गई थी लेने पहले उसको ही बदतमीजी से बोल रहा, बोले यहाँ से चल तू यहाँ। फिर कुछ कार्रवाई हुई है कि नहीं? कार्रवाई कुछ नहीं हुई साहब, गरीब आदमी हम, कोटे के जरिए अपना काम चल रहा है साहब। हाँ, ऐसी एक शिकायत आई थी और हमने वहाँ पे AFSO समालखा को भेज दिया और जैसे ही रिपोर्ट आती है इमीडिएटली कार्रवाई। अगर इसमें रिपोर्ट एक्शन लिया जाएगा। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।